तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज फार्म पे बहुत बारिश हो रही है, आप देख सकते हो बहुत बारिश है, पानी भी भरा हुआ है और हमारे तालाब भी अभी फिलहाल फुल हो चुके हैं, जो फिशिंग के तालाब हैं। तो और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे जानवर भी अंदर ही कैद है और अभी बज चुका है 6 बज रहे हैं शाम के, उनकी फीडिंग का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं फीडिंग डालना है बट बारिश बहुत है इनको, तो चलिए कैसे कैसे फीडिंग डालते हैं इनको। तो हमारा ये फीडिंग बकेट है, जैसे कि आप देख सकते हो फीडिंग बकेट है, इनकी भी फीडिंग ख़त्म हो चुकी है। पहले हम इनकी फीडिंग फिलिंग का फिलअप कर देते हैं। एक्चुअली जो मेरी गिनी फॉल की फीडिंग है वो अलग है, मैं खुद ही बनाया हूँ ये फीडिंग, ये मेरे गिनी फॉल को देता हूँ मैं। देख सकते हो ये फीडिंग जो है, इसमें मैंने जो इंटीग्रेट मतलब इसके अंदर जो सामान है इसमें मक्का है 50%, 20% सोया है, 20% बाजरा है और 10% जो है अपना ये सरसों आता है ना जिसका तेल निकल जाता है खल, वो है। और यही मैं फीडिंग इनको कराता हूँ। स्टार्टिंग का जो 20 दिन रहता है या 1 महीना रहता है ना, उनको मैं स्टार्टर पे रखता हूँ, प्री स्टार्टर जो रहता है बॉयलर का, और उसके बाद मैं ये फीडिंग पे स्विच कराता हूँ उनको, क्योंकि ये फीड से ना ये ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं। मतलब कॉस्ट बढ़ कम हो जाता है ना आपका, 4 या 5 या 10 रुपये भी कॉस्ट कम पड़ा तो आपको प्रॉफिटेबल ही आता है ना। तो थोड़ा जो फीड से भाव है वो कम पड़ जाता है। गिनी फॉल तो ऐसा जानवर है, आपको जो उसको खिला दो उसको कोई इशू नहीं है, ना ही जल्दी उनमें कोई बीमारी लगती है ना ही सर्दी लगती है। खाली जो स्टार्टिंग के 10 दिन रहते हैं वो संभालने पड़ते हैं, नहीं तो अदरवाइज इनको कोई भी इशू नहीं होता है। इनको मॉर्निंग के टाइम पे 2-2, 4 पॉड डालता हूँ और इवनिंग के टाइम पे 1.5-1.5 पॉड डालता हूँ, 3 पॉड डालता हूँ दोनों को, और रात के टाइम पे फिर 2-2 पॉड डालता हूँ, 4 पॉड। इसके अलावा ये देख सकते हो इधर भी वही गिनी फॉल है, एक्चुअली उधर ज़्यादा हो गया था तो इसकी वजह से थोड़ा आधा स्विच कर दिया, बट इनको फिलहाल मैं इस पर रखा हूँ स्टार्टर पे, क्योंकि इसमें हमारे कड़कनाथ भी है कुछ मेरे पर्सनली और FFG भी है पर्सनली, तो ये फीड वो नहीं खाते हैं, इसके वजह से इनको भी मेरे को स्टार्टर डालना पड़ता है। तो चलिए जाते हैं और फीडिंग भर के लाते हैं। तो चलिए चलते फीडिंग फीड भर के लाते हैं अपने फीड बकेट में। बारिश भी बहुत है, देख सकते हो मेरे फार्म पे बारिश की बारिश है। ये हमारी गोट फीड है तुअर की भूसी और ये जो है गोट का अनाज। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा फार्म भी ओपन होने वाला है। और जो मेरा स्टार्टर है वो है ये आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बकेट भर दिया हूँ और ये हमारी फीड है। एक्चुअली आप जो फीड देख रहे हो वो अलग कंपनी की है, एक्चुअली मेरे को आपको सही से बताओ तो मेरे को गोदरेज की फीड पसंद नहीं है। वो भी अच्छी है, कोई इशू नहीं है, फीडिंग वो भी बेटर है, बहुत अच्छी है, बट मेरे को वो फीडिंग के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वो भी अच्छी फीड है, कुछ नहीं जैसे कि वो भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छी फीड है, जो गोदरेज की फीड होती है वो भी अच्छी फीड है, बट मेरे को इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और मैं पहले से ही यही फीड अपने फार्म पे चलाता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं रिज़ल्ट देखा हूँ ना वो मैं गोदरेज के फीड में नहीं देखा हूँ और मेरे को यही फीड पसंद है। और हाँ, और ये फीड गोदरेज से महंगी है, अराउंड गोदरेज से 700 गोदरेज से 150 रुपया 200 रुपया महंगी है,
और इधर भी हम दो दो पॉड डाल देंगे, दो ढाई पॉड डाल देंगे। इसलिए इनका स्नैक्स टाइमिंग है, उसके बाद हम रात की भी फीडिंग कराएंगे तो वो टाइम पे हम ज़्यादा डालते हैं। ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा ही भरना है। एक्चुअली जैसा मेरा ब्रॉयलर फार्मिंग या देसी फार्मिंग नहीं है कि मैं पूरी फीडिंग पैन भर के रख दूँ, मैं मेरे हिसाब से खिलाता हूँ उनको, जितना उनका पेट भरे मेरी फीड वेस्टेज ना हो। इसलिए कैसा कोई कोई फार्मर लोग जो रहते हैं ना, वो फीडिंग फुल करके रखते हैं फीडर में, बट उससे होता क्या है, जो फीडिंग है ना, जानवर को जितना खाना है उतना ही खाएगा, उसके बाद वो बैठ के ना फीडर के पास पूरा दाना नीचे गिराएगा, फिर वो वेस्टेज में जाती है। तो अभी मेरे फैंसी ब्रीडिंग शॉप के पास आ गया हूँ मैं, बट इनका फीडिंग पैन फुल है, जैसे कि देख सकते हो इनका फीडिंग पैन फुल है। इनको भी मैं दो मग्गे से ज़्यादा डालता नहीं हूँ, इसलिए इतना फीडिंग ये खाते नहीं है, अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ तो ये वेस्टेज कर देंगे फीडिंग। और इसके अलावा हम कड़कनाथ को डाल देते हैं, इसमें मेरे कुछ बड़े ब्रीडिंग पैर है गिनी फाउल और कड़कनाथ वगैरह है। ये डबल एफजी ब्रीड है, आप देख सकते हो 2 महीना 10 दिन के बच्चे हैं। अराउंड इनका वेट हो चुका है 3 केजी के आसपास, मतलब 3.25 केजी है, 3 किलो नहीं पकड़ूंगा मैं। तो इनकी भी फीडिंग थोड़ी डालनी पड़ेगी, कम पड़ गई है, तो चलिए और लेकर आते हैं। और हमारी सिल्की के स्टॉक में, एक्चुअली ये स्टॉक निकल चुका है, पूरा बिक चुका है, अभी अवेलेबल नहीं है, और नागपुर जाने वाला है ये सिल्की का स्टॉक। और इसके अलावा मेरे कोलोमियन पैकिंग है, ये फ़िलहाल कोलोमियन पैकिंग अभी मेरे नॉट फॉर सेल है, ये अभी ब्रीडिंग सेटअप के लिए, अगर इंशाल्लाह निकालना चाहूँ तो मैं ये ब्लैक वाले कोचिंग बेंटम निकाल दूँ, जो इनके पेरेंट यहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हो सामने जो मेल है और उधर जो फीमेल है, इनके बच्चे हैं ये ब्लैक वाले कोचिंग बेंटम। और जो ये है कोलंबियन पैकिंग, वो तो इनके पेरेंट भी आप देख ही चुके रहेंगे, वीडियो में आ ही रहेगी। और उसके अलावा भी मेरे पास और भी बच्चे निकले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें जैपनीज बेंटम, कोलंबियन पैकिंग और सब है। ये अराउंड 2 महीना 3 महीने ये करके सेल आउट के लिए निकले गए, फिलहाल अभी सेलिंग के लिए वो नहीं है। तो चलिए थोड़ा और फीडिंग पैन लेकर आते हैं, फीडिंग करके तो लेकर आ चुके हैं और फीड डाल देते हैं इनको। बहुत हो जाएगा, इनको ज़्यादा डाल दी तो फिर वेस्टेज होता है। तो थोड़ा बच्चों में भी डाल देवे, थोड़ा बच्चे में भी डाल देते हैं फीडिंग, तो ज़्यादा फीड नहीं लगती है। और ये हमारा मेडिकल केज है, इसमें देखते हैं, इसमें भी फीडिंग प्रॉपर है, और बेंटम वगैरह लोग को भी फीडिंग प्रॉपर है, और सिल्की लोग को भी फीडिंग प्रॉपर है। तो अभी फ़िलहाल इनके स्नैक्स का टाइम हो चुका है, स्नैक्स का मतलब
जो शाम को नाश्ता करते वो नाश्ते का टाइम है इनका भी। अब इसके अलावा हमको पानी फिलअप करने का है, बट बारिश तो अभी फ़िलहाल बंद नहीं हुई है, शाम हो गई है फुल, और फीडिंग वगैरह सब मेरे जानवरों को हो चुकी है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। टिल देन के लिए थैंक यू।